प्रयागराज सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने माघ मेले में अनवरत कपड़े से बने थैले का निःशुल्क वितरण किया। कल्पवासी दुकानदार स्नान करने आए भक्तों को पर्यावरण संरक्षण के तहत मास्क साबुन सैनिटाइजर कपड़े का थैला उपहार स्वरूप दिया। और इसलिए प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल न करें, पॉलीथिन कपड़े का इस्तेमाल करें। संस्था की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा समाज सेविका डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसमें रखे खाने के सामान को खाने से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है। कई प्रकार से हम रोग ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम मोबाइल रखते हैं अपने साथ, वैसे ही कपड़े के थैले को भी अपने साथ रखना चाहिए। प्रकृति से भी प्रेम होना बहुत जरूरी है, रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक से का बैग जो थैला है उसको मैं देखती हूँ तो चिंतित हो जाती हूँ, क्योंकि ये खाने में इसमें कोई आप खाना रखिए तो आपके लिए नुकसानदेह होगा और पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। अतः मैं आग्रह कर रही हूँ यहाँ के दुकानदारों से कि वो मास्क लगाए और जो स्नान करने आए हैं भक्ति मय लोग हैं, भक्तों से मैं निवेदन करना चाहने आई हूँ कि मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर रखें, साबुन रखें और कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। सबसे निवेदन करते हुए डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि गंगा तट को गंदा ना करें, स्वच्छता पर ध्यान रखें, केमिकल सामग्री का इस्तेमाल ना करें, पूजा पाठ स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो हमारे भारतवर्ष में बनी है। पंडालों पर निशुल्क भजन संगीत का कार्यक्रम करते हुए कहा कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द भारत में लाने का प्रयास करना है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से हम सभी का लाभ होगा। एक ऐसा भी नियम आना चाहिए, ईश वंदन कानून, जिसमें हम किसी भी धर्म के का अपमान न कर सके। यदि हम कुछ धर्म के प्रति बोलते हैं तो दंडनीय अपराध हो। सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है, सनातन धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। कृपा मास्क लगाएं, साबुन से इस्तेमाल करते रहे, हाथ धोते रहे साबुन से और कपड़े से बने थैले का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। धन्यवाद। पुराने कपड़ों से सिलवा लें बैग या ना सिलवा पाए तो बैग खरीदें और इससे रुपया किलो वो खाने में भी नुकसान देता है और ये पर्यावरण के लिए भी नुकसान देता है, इसलिए हमेशा कपड़े के बैग जो है इस्तेमाल थैला हो उसे इस्तेमाल कीजिए। ये आपसे याद रहे क्योंकि आप दिन सामान का वितरण करते हैं तो आप सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की मैं वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।